नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माविशास में। तो जैसा कि आपको वीडियो देखकर तो पता ही चल रहा होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं, मतलब किस रेसिपी को आज हम जानने वाले हैं। जी हाँ, गुपचुप, पानी पूरी, पानी की पताशी, गोल गप्पे, पुचका, हम इनकी रेसिपी को जानने वाले हैं। जी, इसे बहुत से नामों से पुकारा जाता है, इंडिया की मोस्ट फेमस स्ट्रीट फूड है। तो हम इसे गुपचुप बोलते हैं या फिर पानी पूरी बोलते हैं। तो गुपचुप की रेसिपी जानने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमें गुपचुप बनाने पड़ते हैं, पानी पूरी को बनानी पड़ती है, मतलब उसकी पूरियाँ तलनी पड़ती हैं। तो पूरियों को हम घर में नहीं बनाते, पूरियों को हम बाहर से मंगा लेते हैं, मार्केट से, या आप देख भी सकते हैं, क्योंकि ना पूरियों को घर में बनाने से ना बहुत मेहनत लगता है, और क्या बोलते हैं, पूरियाँ कभी अच्छी बनती हैं कभी नहीं बनती हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इसका पानी और आलू बनाने का, तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पानी। पानी बनाने के लिए हमें कुछ इन चीज़ों की आवश्यकता होगी, आपके घर में इजीली मिल जाएंगे। तो पहला है हमारा ये धनिया पत्ता है, इसको मैंने छांट लिया और धो लिया है। पुदीना पत्ते, ये पुदीना थोड़ा हमें ज़्यादा लेना है। अदरक का इतना बड़ा टुकड़ा, इसको मैंने धो लिया है छील कर। ये कुछ हरी मिर्चें हैं और ये कच्चा आम है, तो कच्चा आम का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो पुदीना पत्ता दोस्तों यहाँ पर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि पुदीना पत्ता पाचमे के लिए भी बहुत अच्छा होता है और इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, मतलब जो मिंट और कूल टाइप से हमारे पेट को भी लगता है, जैसे पुदीना रम खाते हैं वैसा। तो इसीलिए ये भारी भी नहीं करता है। और कच्चा आम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि कच्चा आम का अभी गर्मी का सीज़न है, तो ये आपको ईजिली अवेलेबल होता है और ये खट्टापन भी दे देता है आपको। तो वैसे तो ठंडी के मौसम में मैं नींबू का रस, इमली फुलाकर उसका पानी बना लेता हूँ या फिर अमचूर डालता हूँ। दोस्तों अमचूर में कम डालता हूँ मैं, ज़्यादातर नींबू का रस डालता हूँ। वैसे अगर आपको कच्चे आम से कोई प्रॉब्लम है तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो पानी बनाने के लिए यहाँ पर ये मैंने एक बोल में पानी ले लिया है। अब आइए देखते हैं हम कैसे बनाएंगे इस पानी को। तो ये मैंने चटनी पीस ली है, जो मैंने अभी आपको सामान दिखाया था उससे मैंने चटनी पीस ली है, इसमें मैंने नमक नहीं डाला है। तो आइए पानी बनाते हैं। पानी बनाने में सबसे पहले मैं अपने पानी में नमक डाल दूँगा क्योंकि मैंने चटनी में नहीं ऐड किया था नमक, तो आप अपने स्वाद अनुसार नमक डालें। उसके बाद फिर यहाँ पर ये मैंने नमक डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूँगा जीरा पाउडर। जीरा पाउडर दोस्तों मैं डालूँगा यहाँ पर 2 टीस्पून जीरा पाउडर मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा। तो दोस्तों मैंने 2 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड कर दिया। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगा हींग। हींग दोस्तों आप अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट करके डालिए क्योंकि ना हींग से सबसे सबके चम्मच छोटे छोटे बड़े हो जाते हैं, तो हींग का अगर मुझे ना कोई नाम पता हो ना तो वो गलत रहेगा। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे अपनी चटनी, जो ये मैंने बनाई थी अभी, मैंने दिखाया था ना उसकी चटनी। देखिए दोस्तों चटनी डालते ही कितना अच्छा कलर आ गया। अब मैं इसको ना पानी पूरी मसाला डाल दूँगा क्योंकि वो हम भूल गए थे, नहीं तो उसको कैसे भूल जाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पर डाल दिया पानी पूरी, यहाँ पर मसाला, ये मैंने पानी पूरी मसाला में दोस्तों कभी एवरेस्ट का लेता हूँ कभी बादशाह का लेता हूँ, आपके शहर में जो अवेलेबल हो या आपको जो पसंद हो आप उसको ले सकते हैं। तो अब मैं इसको बहुत अच्छे से मिला लूँगा। तो दोस्तों ये देखिए मैं बहुत अच्छे से अभी इसको मिला रहा हूँ। तो दोस्तों ये देखिए ये मेरा मिल गया। अब आलू भी तो बनाना है, तो आलू बनाने के लिए यहाँ पर ये कुछ मैंने बॉइल्ड आलू ले लिए हैं। तो ये मैंने कुछ 4-5 आलूओं को बॉईल कर लिया था, इसके बाद फिर मैंने चम्मच से रफली तोड़ लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगा जीरा पाउडर, फिर उसके बाद मैं इसमें डालूँगा स्वाद अनुसार नमक। दोस्तों नमक आपको बैलेंस करके डालना होता है क्योंकि हम पानी और आलू में दोनों में डाल रहे हैं। अब फिर इसमें हम डाल देंगे चटनी जो हमने पीसा था, इसको हम दोनों में डालेंगे क्योंकि इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगा थोड़ा सा मिर्च, लाल मिर्च पाउडर। दोस्तों लाल मिर्च पाउडर मैं इसे डाल रहा हूँ क्योंकि हम लोग थोड़ा गुपचुप को ना तीखा ही पसंद करते हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं चाहते हैं तो आप लाल मिर्च पाउडर स्किप भी कर सकते हैं। तो अब मैं इसको मिला लूँगा। तो दोस्तों अब मैं आपको गुपचुप बनाकर दिखाता हूँ यहाँ पर। तो ये मैंने गुपचुप में आलू डाल लिया है, अब मैं इसमें पानी डालूँगा। तो जब तक मैं इसको बना रहा हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक कर दें जल्दी जाकर, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें जिससे मेरी हर न्यू अपडेट आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों ना क्या बोलते हैं, इस रेसिपी को ना ज़रूर ट्राई कीजिए क्योंकि ये घर में बहुत ही आसानी से आपको जब जब मन हो आप झटपट बना सकते हैं इस रेसिपी को। तो ये देखिए मेरा गुपचुप बन गया है, टेस्ट करके बताइए।
कितना अच्छा कितना डिलीशियस दिख रहा है दोस्तों, देख सकते हैं। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप प्याज टमाटर भी डाल सकते हैं। हम प्याज टमाटर नहीं खाते इसलिए हम नहीं डाल रहे हैं अभी, गुपचुप में हमें नहीं पसंद है। तो तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब।